अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जहां औलादों को आला तालीम हासिल करने के लिए भेजा जाता है, जहां असातिज़ा को पढ़ाने के लिए तनख्वाहें दी जाती हैं, वहां ये सब चीज़ें अगर देखने को मिलें और फिर इतना अलाव हो कि स्मार्टफोन्स भी स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में लेकर जाने वाला खुला माहौल हो और फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर, साथ ही साथ को एजुकेशन सिस्टम, ये हर चीज़ इस माशरे को ऐसी बुराइयों की तरफ लगा रही है जिनके खिलाफ हमेशा हम बोलते आए, लेकिन इस लिबरल सेकुलर माशरे ने अच्छाइयाँ और बुराइयाँ मिक्स कर डाली हैं, लिहाजा इन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ये उल्टा कहते हैं दिस इज़ नॉर्मल, कोई मसला नहीं है, ये आपके दिमाग का फतूर है। तो जनाब मेरे दिमाग का फतूर ही समझ लीजिए, लेकिन ज़रा सोचिए तो सही कि हमारी असल क्या थी। और यहाँ चाहे प्रैंक ही चल रहा या जो भी चीज़ है, एक ड्रामा ही है, लड़का ही बुरका या गाउन पहन के आया है, हम यूं ही कह लेते हैं क्या ये सब ठीक है, या क्या जिस तरह एक टीचर बैठा हुआ है और सामने ख्वातीन पढ़ रही हैं इससे, क्या ये सब ठीक है, जायज़ है? चाहे कोई दाढ़ी वाला ही क्यों ना हो, चाहे बुरके में ही क्यों ख्वातीन ना हो, चाहे कुरान ही क्यों ना पढ़ाया जाए, तब भी ये नाजायज़ है। और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, खासकर सरगोधा यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, इन सब यूनिवर्सिटीज़ में क्या कुछ नहीं होता। बहुत से हमसे एग्री भी करेंगे और बहुत से हमारे मुखालिफ भी जाएंगे कि आपकी बहुत बैकवर्ड सोच है। तो जनाब हम तो हर मामले में इस्लाम को मलहूस खातिर रखने का बोलते हैं, बाकी इस माशरे का अल्लाह ही हाफिज़ है, जैसी कौम वैसे हुक्मरान होते हैं, और आज नतीजा देख लीजिए। बहरहाल वीडियो पर आ दीजिए, मैक्सिमम फैलाइए, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन।